चुकी है क्या ये एलटी ग्रेड का जो अभी तक नहीं हटा। टीआरई 3.0 प्रश्न पत्र में बदलाव दिखेगा, प्रश्न पत्रों के कोडिंग में भी बदलाव दिखेगा, राइडर शिक्षक भर्ती फंसी जबकि कोर्ट ने कभी का निर्णय कर चुका और अधर में हर भर्ती है। बाबा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के संज्ञान में रहते भी भर्ती प्रक्रिया में लेट लतीफी क्यों रही, इसकी भी बात कीजिएगा और आपके प्रश्नों को भी शामिल किया गया आज की बड़ी खबर की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। आज के समाचार पत्रों की प्रमुख खबर है, सबसे पहले खबर है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पत्रों पर रंगीन कोडिंग होगी। 19 से 22 जुलाई को होनी है परीक्षा, 404 केंद्रों पर होगा आयोजन। पहले मार्च को हुई थी परीक्षा, 5 मार्च को पेपर लीक पर इसे रद्द कर दिया गया था। क्या होता है इसमें नॉर्मलाइजेशन, तो पेपर कितना कठिन है इसका स्तर जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से तय होता है और अंक निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन आता है तो तय किया जाता है कि यदि कोई 70 नंबर भी ले आया तो उसे 100 नंबर मान लिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन पेपर सरल होता है तो इसका उल्टा कर दिया जाता है और 100 नंबर लाने वाले को 70 नंबर मान लिया जाता है। इस प्रक्रिया में औसत निकाला जाता है तो जिस दिन के पेपर में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हुए उसके हिसाब से कम अंकों वाली शिफ्ट अंक जोड़कर बराबरी की जाती है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मंगलवार को तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती की परीक्षा की जानकारी देते हुए बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार हैं और ये बताते हैं टीआरई 3.0 को प्रेस पत्र राशि डाउनलोड हो जिसकी नोटिस आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई होगी और आशा है डाउनलोड भी कर लिए होंगे। अगली खबर, कोर्ट से रास्ता साफ, शासन में फंसी जूनियर अडेयर शिक्षक भर्ती। बात हो रही 6 सितंबर 2022 को आया था 1894 पदों की भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम। एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 1894 पदों की भर्ती पहली बनी हुई। मार्च 2021 के विज्ञापन पर 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा कराए जाने के बावजूद भर्ती आज तक पूरी नहीं हो सकी है। परीक्षा में सफल कुल 43,610 अभ्यर्थी मेरिट तय नहीं होने से अटके हुए। कोई नई खबर नहीं है, उत्तर प्रदेश में ये 2 साल से भर्ती फंसी हुई है। यूपी TSSC में एक स्टेज पे भर्ती फंसी है 4 साल से, उसके लिए भी सरकार नहीं सुन रही। तो प्रतियोगी छात्र करेंगे तो क्या करेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। सरकार को अपने अनुसार ही करना, इसके लिए कोई नियम कानून नहीं कि भर्ती प्रक्रिया 1 साल में पूरी की जाएगी। रोजगार देने का सरकार के कोई नियम कानून नहीं है, सिर्फ नियम कानून ये है कि थपथपा के मेज को जो है 2 करोड़ से 5 करोड़ बनाया जाए, ये नियम कानून है। बाकी प्रतियोगी छात्रों के लिए कोई नियम कानून नहीं और ऐसी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी क्योंकि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। अभी फिलहाल की भर्ती प्रक्रियाओं को अगर देखा जाए तो सरकारें इधर की तरफ एकदम रुख नहीं करती, कम से कम भर्ती परीक्षाओं की लेट लतीफी को खत्म किया जाए और एक मानक तय किया जाए कि तय समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई। कई बार स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया लेकिन वो भी ढाक के 3 पाथी साबित हुए। टीआरई 3 के प्रश्न पत्र जो होंगे कई सेट में होंगे तैयार, कलर कोड से पहचान होगी और यहाँ पे जो है ई प्रेस पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड है। बिहार लोक सेवा आयोग के तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के प्रश्न पत्र इस पर कई सेट में होंगे। किस जिले में किस सेट से परीक्षा होगी इसकी जानकारी संबंधित जिलाधिकारी को परीक्षा प्रारंभ होने की अवधि से 3 घंटे पहले दी जाएगी। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार एक ही परीक्षा कई सेट के प्रश्न पत्रों में संचालित होगी, इसके कारण परिणाम नॉर्मलाइजेशन विधि से जो है तैयार किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन विधि क्या है उसको पहले ही वीडियो में पहले ही क्लिप में बता दिया गया आपको। नॉर्मलाइजेशन विधि काफ़ी कठिन होती है, परीक्षाओं के स्तर के अनुसार जो है डिसाइड किया जाता है। वहीं अगली खबर, पटना से एक नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग 1 से होगी। आवंटित जिले के DRCC में होगा प्रमाण पत्रों का सत्यापन। 187,818 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग उन्हें आवंटित किए गए जिले में ही 1 अगस्त से होगी। काउंसलिंग आवंटित जिले की DRC यानी कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में होगी। काउंसलिंग पूर्वाहन 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। अगली खबर, छात्रवृत्ति के लिए अब करें आवेदन। नेशनल PG कॉलेज शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए नोटिफिकेशन जो प्रतिपूर्ति के लिए है वो जारी कर दिया गया है। छात्र और छात्राएं http://scholarship.upgovernment.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति सभी अभिलेखों के साथ आवेदन करने के 7 दिन के अंदर कॉलेज कार्यालय के काउंटर पर जमा करते हैं। वहीं अगली खबर, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मंगलवार को विधानसभा समिति सभागार में सहारनपुर अलीगढ़ राजमगढ़ बलिया विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्य गुणवत्ता के समय से और यहाँ पे जो खाली पदों को जल्द ही भरने के लिए जो है बात कही। विश्वविद्यालय में जो खाली पद हैं और ताकि शैक्षणिक वातावरण को जो है और बेहतर बनाया जा सके। बस सुनते रहे, भर्ती प्रक्रिया आने में काफ़ी लेट लतीफी होती है। सबसे बेकार काम जो हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को लेकर के हो रहा है। इसमें कोई भी तेज़ी देखने को नहीं मिले, कितने भी स्टेटमेंट आ जाएँ लेकिन सरकार और प्रशासन के बीच की जो कड़ी है वो समझ के परे जा रही विद्यार्थियों को। तो इस प्रकार से जो है ये स्टेटमेंट आते रहेंगे लेकिन जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी ना हो तब तक यकीन करना कठिन है। अगली खबर है, टेट पेपर लीक में मुख्य आरोपित शिक्षक गिरफ्तार। वर्ष 2021 में टेट पेपर लीक के मुख्य आरोपित प्रभात को भी क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार को भरवारी से गिरफ्तार कर लिया। वह इस समय बाराबंकी के सोहवर स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर तैनात था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इसके पहले पुलिस टीम इस प्रकरण के 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस प्रकार से जांच प्रक्रिया 2021 की अब हो रही, लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जिनका इसकी वजह से
संकट यानी कि चौपट हो गई थी भर्ती प्रक्रिया, उनका कौन सा निर्णय कौन लेगा। इसलिए कोई भी काम यदि समय रहते नहीं होता है तो उस काम को सही हो तो भी गलत तो माना जाता है, अगर समय रहते पूरी न की जाए वो काम को। तो एक अलग वानगी देखने को मिली छत्तीसगढ़ में, एक ही गिनके 36 अभ्यर्थी बने असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित अभ्यर्थियों में से CGPSC के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदार भी। छत्तीसगढ़ में भर्ती घोटाला। छत्तीसगढ़ के पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के दौरान CGPSC छत्तीसगढ़ लोक सेवा 2022 की भर्ती में कथित घोटाले की CBI जांच चल रही है। इस दौरान पता चला कि वर्ष 2019 में की गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी गड़बड़ी हुई। एक ही परीक्षा केंद्र के 50 अभ्यर्थियों में से 36 लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया। अगली खबर है UPTPLSC को लेकर के, जो है भर्ती प्रक्रिया लेट लेती भी चलती रही, इसके लिए एक डे डिसाइड करें सारे प्रतियोगी छात्र और UPTPLSC से जो है सचिव से ये मांग करें कि भर्ती प्रक्रिया को तय समय से पूरी किया जाए, क्योंकि शासन स्तर से और विभाग के स्तर से जो है प्रक्रियाएं विलंबित हो रही हैं, इससे प्रतियोगी छात्र असंतुष्ट हैं और आने वाले समय में प्रतियोगी छात्रों को ये कदम उठाना ही पड़ेगा, यानी कि मुलाकात का दौर करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। भर्ती प्रक्रिया तभी तेजी से, चाहे वो JEE का रिजल्ट हो या SO की विज्ञप्ति हो, क्योंकि इसमें अभी फिलहाल जो है आयोग की तरफ से कोई भी काम आगे नहीं बढ़ रहा है। एक दो भर्तियों की नोटिस जो है वो देखने को मिल सकती है, आज के दिन में तो नोटिस आनी नहीं है, लेकिन नोटिस की प्रक्रिया जो है आयोग अगर चाहता तो नोटिस अभी तक जारी कर चुका होता, लेकिन आशा यही है कि आने वाले समय में नोटिस जो जारी होगी वो ITI स्ट्रक्चर की नोटिस आएगी और टाइपिंग के संदर्भ में नोटिस आ सकती है UPTPLSC से। बाकी की भर्ती प्रक्रियाओं के बारे में आपको पहले ही बताया गया कि सेप्टेम्बर के बाद ही भर्ती परीक्षाओं के एग्ज़ाम जो है शुरू होंगे। JEE के रिजल्ट को लेकर के UPTPLSC की कार्यप्रणाली में जो है थोड़ा धीमी गति से है, इसलिए 1 अगस्त के बाद ही जो है रिजल्ट की उम्मीद रखें। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग CLT ग्रेड विज्ञप्ति JIC का जो है विज्ञप्ति के अध्याचन पड़े हुए हैं, लेकिन उस अध्याचन में समकक्ष अर्हता का जिन वो ख़त्म होते हुए नहीं दिख रहा है, और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आयोग की और शासन की इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। प्रतियोगी छात्र इसके लिए एक बार ज़रूर आयोग में जाएं और अपनी बात रखें, तभी बात बन सकती है, नहीं तो सिर्फ अपडेट लेते रहेंगे तो भर्ती प्रक्रिया ऐसे ही विलंबित होती रहेगी, क्योंकि अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। 25 तारीख के पहले यदि स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो फिर ये भर्ती प्रक्रिया फंसती हुई नज़र आ रही है। अभी फिलहाल आयोग की तरफ से इस पे जो है वही चीज़ें हैं जिसकी तस। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कुछ बड़ी खबरों के साथ। इस वीडियो में जो है कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी, अगली की अपडेट की वीडियो होगी, उसमें भी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ की अपडेट आपको दी जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त।